के बहराइच में बहुत बड़ी चुनौती बन गया है आदमखोर भेड़िया। यूपी के बहराइच के पचदेवरी में वहीं पर घेरेबंदी की गई थी जहां पर आज भेड़िए की लोकेशन मिली थी, लेकिन आज भी सर्च ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। यूपी के आदमखोर भेड़िए पिछले करीब दो हफ्तों से भी ज्यादा समय से वन विभाग की टीम को छका रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन में सब कुछ झोंक दिया गया है। महसी के पचदेवरी इलाके में भेड़िए की मौजूदगी के संकेत मिले, जिसके बाद वन विभाग की टीम और शूटर्स पचदेवरी के इलाके में घेरेबंदी किए हुए हैं। यहाँ बीती रात में भेड़िए के हमले में एक बकरी मारी गई थी जबकि दो घायल हुई थी। सर्च ऑपरेशन में हम इतना समझे हैं कि वो यहीं आसपास है, कल हम फिर यहीं फोकस करेंगे। हर संभव मदद की जा रही है। बहराइच में प्रशासन की तरफ से लगातार मुनादी करवाई जा रही है, भेड़िए को जल्द पकड़ लिया जाएगा। लोग आराम से निश्चिंत हो जाओ। फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है। एडिशनल टीम लगाई जा रही है और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। बचे हुए दो भेड़ियों की बहुत तेजी से तलाश की जा रही है, जिसे ड्रोन फुटेज में देखा गया था। अब तक इस इलाके में 10 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं भेड़िए के अटैक से। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की तो लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत छाई हुई है। बाघ की दहाड़ सुने जाने के बाद और खेतों में उसके पंजे के निशान देखे जाने के बाद खौफ और बढ़ गया है। वन विभाग के लोग बंदूकें लेकर निकले हुए हैं, साथ चल रहे लोगों के पास लाठी डंडे हैं, गाड़ियों से पेट्रोलिंग अलग से की जा रही है। ये यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जो कि बाघ की तलाश में निकले हैं। दरअसल लखीमपुर के जडौरा और इमलिया गांव में लोगों ने बाघ के गुर्राने की आवाज सुनी। बाघ की मौजूदगी की तस्दीक होती है बाघ के पंजे के निशानों से। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 9 दिन से पिंजरा रखा हुआ है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। लखीमपुर खीरी ही नहीं, यूपी के सीतापुर के महोली इलाके में भी बाघ का डर फैला हुआ है। यहाँ ब्रह्मावली के कंपोजिट विद्यालय में बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी तो लोगों में दहशत फैल गई। बाघ की दहशत ऐसी है कि लखीमपुर के कई इलाकों में अघोषित कर्फ्यू जैसे माहौल है। किसान खेतों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग बाजार जाने से बच रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।